नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे गेहूं की आटे का बहुत ही जबरदस्त नाश्ता। आज बनाएंगे कोन स्प्रिंग रोल गेहूं के आटे से। आज से पहले गेहूं के आटे का इतनी मजेदार रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी। खाने में इतनी मजेदार लगता है कि आप बाहर के स्प्रिंग रोल पिज्जा भी भूल जाओगे। तो एक बार इसे बना के जरूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसके अंदर की स्टफिंग। यहाँ पे बारीक घिसे हुए आलू लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं मैंने, ग्रेटर की हेल्प से बारीक घिस दिया है। उसके बाद से डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और बारीक घिसे हुए गाजर। आप इसमें और सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी। थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो वेजेस है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ढक करके कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। आटा लगा के रेडी करना है तो सबसे पहले एक कप आटा लेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और एक से दो चम्मच करीब तेल डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीजों को डालने की वजह से आटे में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जब थोड़ा सा मैल लग जाए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छी तरीके से आटा गूंथ के रेडी कर लेंगे। पे मैंने अच्छी तरीके से आटा रेडी कर लिया है और भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा सॉफ्ट है। सबसे पहले एक लोई लेंगे, उसे चिकना करके चकले पे रख देंगे। फिर उसी साइज की एक और लोई लेंगे और उसे भी चिकना करके चकले पे रख देंगे। दोनों लोई पे अच्छी तरीके से परथन लगा लेंगे। परथन लगाने के बाद से हम लोग एक लोई पे तेल गिराएंगे। थोड़ा सा तेल गिराने के बाद से दोनों लोई को अच्छी तरीके से चिपका लेंगे और बिल्कुल रोटी की तरह हम लोग अच्छी तरीके से बेलके से रेडी कर लेंगे। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से रोटी बेल लिया है पतली सी। इसे मैं तावा पहले से गर्म करने के लिए रख दी थी। अब रोटियों को रख करके दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तरीके की रोटियों को इंग्लिश में ट्विंस चपाती बोलते हैं या हिंदी में बोले तो दोहती या दोस्ती रोटी। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दोनों साइड से अच्छी तरीके से रोटियों को सेक लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ट्विंस सीट रेडी है। तरीके से हम सारे ट्विंस चपाती सेक लेंगे। हम लोग इसे कोन के लिए बना रहे हैं तो हम लोग इसे ट्विंस सीट कहेंगे। अब हम लोग अलग करने के बाद से एक सीट को लेंगे और इस तरीके से कट लगा देंगे। इस पे हम लोग को प्लस का साइन लगाना है, बहुत ही इजीली कट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल शेप्स के रोटियों को कट कर लिए हैं। इसी तरीके से मैंने ढेर सारे ट्राइंगल शेप्स के रोटियों को इस तरीके से निकाल के रेडी कर लिए। ट्राइंगल वाली रोटी को लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कोन को करते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो मैंने एक घोल रेडी किया आटे और पानी का और इस तरीके से हम लोग लगाते हुए अच्छी तरीके से इसे चिपका देंगे। यहाँ पे एक छोटी सी कोन बन के रेडी है। इसी तरीके से ढेर सारे कोन इस तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले एक सीट लेंगे और इस तरीके से घोल को लगाते हुए इस तरीके से कोन का शेप दे देंगे। इसे आटे और पानी का घोल जितना ही मोटा रखेंगे वो अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से शेप देते हुए कोन का इसे अच्छी तरीके से बना लिया है। इसी तरीके से मैंने ढेर सारे कोन बना के रेडी कर लिए हैं। कोन बन के रेडी है, अब स्टफिंग बनाने की बारी। तो सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। सब्जियों में नमक मिला के रखे थे, सब्जियां उसकी वजह से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसे निचोड़ते हुए पैन में डालते जाएंगे। नमक पहले डालने की वजह से सब्जी अब बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इससे हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फ्राई करते हुए। निचोड़ते हुए सारी सब्जियों को डाल देंगे और अच्छी तरीके से एक बार इन सबको मिक्स कर लेंगे चलाते हुए, अच्छी तरीके से तेल में फ्राई होते जाए। मिनटों में हमारी सब्जी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। तब हम लोग कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और यहाँ पे मैजिक मसाला मैं डाल रही हूँ। नमक का थोड़ा यूज करना है क्योंकि पहले से हम लोग सब्जियों में नमक मिला के रखे हुए थे। थोड़ा सा मरीच पाउडर मिला के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से वेजेस में मिक्स हो जाए, इससे स्टफिंग की टेस्ट और भी दुगनी हो जाए। थोड़ी देर में हमारी स्वादिष्ट स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। स्टफिंग की खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। हमारी कोन भी रेडी है और स्टफिंग भी बन के रेडी है। तो किस बात की देरी, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने इकट्ठे सारे सामान रख लिए, जैसे कोन, स्टफिंग, थोड़े से क्रश किए हुए मैगी, आटे का घोल जो पहले से बना के रखे थे वो। पहले एक कोन को लेंगे और स्टफिंग को चम्मच की हेल्प से इसमें डालेंगे। स्टफिंग को डालने के बाद से हम लोग चम्मच के पिछले वाले हिस्से से अच्छी तरीके से इसे प्रेस करते हुए अंदर डालेंगे ताकि कोन में अच्छी तरीके से अंदर तक स्टफिंग चली जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली मैंने अच्छी तरीके से कोन में स्टफिंग भर दिया है। इसी तरीके से स्टफिंग को कोन में भरते जाएंगे और इसी तरीके से जो बाकी के कोन है उसमें भी स्टफिंग को अच्छी तरीके से भर लेंगे।
देखिए बिल्कुल चम्मच की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम लोग को अंडा डालते जाना है। बिल्कुल परफेक्टली हम लोग को कोन में अच्छी तरीके से स्टफिंग को भर लेना है। यहाँ पे मैंने स्टफिंग को अच्छी तरीके से सारे कोन में भर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने मैगी को अच्छी तरीके से तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे आटे का घोल बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। कोन को सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा डिप करेंगे। डिप करने के बाद से इसके ऊपर इस तरीके से घुमाते हुए घोल के ऊपर मैगी को लिपेट लेंगे। इस तरीके से जब मैगी आटे के घोल के ऊपर चिपक जाए, तेल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें कोन को डालते जाएंगे। इसी तरीके से जो बाकी के कोन है उसको डिप करेंगे। उसके बाद से मैगी के ऊपर अच्छी तरीके से घुमाएंगे ताकि अच्छी तरीके से मैगी चिपक जाए। गर्म तेल में डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे कोन में कोन को इसी प्रोसेस में करना है। अब एक साइड से कोन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है तो चिमटे की हेल्प से इसे पलटते जाएंगे ताकि एक तरफ से बिल्कुल जली ना। कुछ ही देर में कोन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगे। बिल्कुल क्रिस्पी और करारी दिखने लगेंगे। तब हम लोग इसे अच्छी तरीके से तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से सारे कोन को अच्छी तरीके से फ्राई कर दिए जाएंगे गर्मा गर्म तेल में। यहाँ पे हमारी कोन वाली स्प्रिंग रोल बनके रेडी है। दिखने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही प्यारी दिख रही है। अभी आप इसे बनाओगे और गर्मा गर्म तेल से निकालोगे तभी मन करेगा कि कब इसे खा जाओ, क्योंकि इतनी क्रिस्पी और करारी और प्यारी से दिखती है। थोड़ी सी भी वेट नहीं होती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को बना के जरूर ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगी। मार्केट वाले स्प्रिंग रोल से भी अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।